Hey guys, welcome to my channel Assamese Girl Gundu Moni Vlogs. अभी हुआ है time 7:39, रात की 7:39 हुआ है. मुझे फीवर हुआ है, आप लोगों को मैं अभी मालूम हो ही जाएगा. आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करने के लिए प्लेस में आई हूँ, ये प्लेस में आई हूँ स्टेप के पास में. ये आप लोगों का जाना पहचान एरिया है जो जो मेरा ब्लॉग देखता है. तो दिन भर मैं ऐसे ही सोई थी, आज दिन भर सोई थी क्योंकि हेडेक और सर्दी अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से सोई थी. अभी ब्लॉग अपलोड कल का थोड़ा बहुत जो भी किया था, शूट किया था, उसको एडिट करके मैंने अपलोड पे लगा दिया है, अपलोड पे लगा दिया है. अभी मैं रख दूँगी वो प्लेस में. रखने के बाद मैं अंदर जाऊँगी या यहीं पे रहूँगी, थोड़ा टाइम बैठूँगी. तो आज कुछ भी इतना खास नहीं होगा क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है. हो सकता है मैं कुकिंग करूँ आज. अभी दिन भर में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सोया है और सोया है सोया है. और फिर उसके बाद कुछ करने को भी मन नहीं है. तो अभी सोचा है कि करूं, थोड़ा कुछ कर लेती हूं. तो चलिए आगे आगे देखिए होता क्या है. कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है. तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज 7:40 से. टाटा. हे गाइस, मैं आज ये बनाने वाली हूँ. उससे हम लोगों को लोकल जो असमिस लोगों का घर में मतलब वो है, थोड़ा खट्टा खट्टा होता है. गर्मी के टाइम है और कुछ खाने को भी मन नहीं है, तो मसाला घिसाला तो इसी से मैं बना लूँगी सिंपल. उसको काट के दो तीन आलू दे के इसे बना लूँगी मछली के साथ. मछली है कल का, जो मछली लाया था वो है, ये है देख लीजिए. वो खट्टा होता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है इसे. वो पालक ही है, पालक पालक जो कहते हैं ना, वो उसी उस ऐसा ही है. मतलब खट्टा पालक एक होता है ना, उसी का है. लेकिन ये लोकल है हम लोगों का, मतलब उसे दूसरा नाम क्या है पता नहीं, लेकिन वो खट्टा पालक पालक बोलता है हम लोगों का ऐसा में. इसमें टेंगा पालंग बोलता है. ये भी एक मामा का घर से लाया है, ये मामा का घर में था. मम्मी को करी बना के दिया था मछली के साथ, तो अच्छा लगा तो मम्मी ने पैर उठा के लेके आया है मामा का घर से. तो चलिए इसको बनाऊंगी आज मैं. हे गाइस, ये देखिए मैं किचन में हूँ अभी. अभी टाइम हुआ है 8:48. तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है. मैं बना रही हूँ पता साग होता है ना, वो जो बस्ता बनता है आजकल, वो बस्ता नहीं है, वो साग से मैं फिश हेड बना रही हूँ. और जो हम लोगों की असम का सौदा है, मतलब नेचुरल सौदा है, कौन कसर खाए, उसी से मैं बना रही हूँ. बेकिंग सोडा टाइप ही है लेकिन सौदा है, बहुत अच्छा नेचुरल सौदा है ये. तो चलिए मैं बना लेती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ, है ना. चलिए, पूरा थक चुकी हूँ देखने. ये देखिए गाइस, उबाल आ रहा है. मैंने कप का बिठा दिया था. आओ, जल गया मेरा हाथ. मैंने कप का बिठा दिया था, उससे पानी दे दिया है, पानी ऐड कर दिया है. ये देखिए फिश हेड. ये देखिए वो जो पत्ता का पात का जो बस्ता होता है ना, बड़ा होने के बाद उससे बस्ता बनाते हैं, उसी का साग है. पत्ता साग बोलता है शायद, हम लोगों का मोटापा साग बोलता है हिंदी में, पत्ता साग बोलता है शायद शायद, मुझे इतना मालूम नहीं है. तो चलिए मैं झटपट बना लेती हूँ, है ना. चलिए. हे गाइस, जो जो मैंने पालक तोड़ के लाया था शाम को, तो मैं इस कड़ी बना दिया है फिश के साथ. और फिश से
कि करीब ही कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा दो तीन उबाल आने दूंगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। बैक में पापा टीवी देख रहे बेटे के साथ, नानी बेटा पापा नाना नानी और बेटा टीवी देख रहा है। इसको तीन चार उबाल आने दूंगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसीजर। चलिए टाटा। हे गाइस, ये देखिए मेरा कुकिंग कंप्लीट हो चुका है। आज पूरा से विटामिन भरपूर मिलेगा, हम सबको मिलेगा। ये भी साग है, ये भी साग है। तो चलिए, मेरा कुकिंग कंप्लीट हो चुका है, इसको वॉश करना पड़ेगा। मेरा कुकिंग कंप्लीट हो चुका है, ये ऐसे रख देता है। कुकिंग कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी कढ़ाई वॉश कर दूँगी। और दो बर्तन था, भाभी ने वॉश कर दिया है। और इवनिंग का दाल है शायद, हाँ इवनिंग का दाल है, वो भी मतलब आज होगा। आज से विटामिन भरपूर मिलेगा। चलिए खाने के बाद मिलते हैं। हे गाइस, मैंने खाना पीना बना लिया है और बर्तन भी वॉश कर दिया है। मैं बोल ही चुकी हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। खाना खाऊँ नहीं खाऊँ मालूम नहीं, शायद खाऊँगी, शायद खाऊँगी। नानी मतलब बेटा को भतीजा निकल गया, बेटा को मतलब खिला रहा है, थोड़ा राइस खिला रहा है। भतीजा को भी उसका माँ खिला रहा है, भाभी खिला रहा है। और फिर सब ऐसे बैठे हैं, पापा जी टीवी देख रहे हैं। और आज दिन में ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि आपका बॉडी ठीक रहता है, आपका बॉडी एक्टिव रहता है। तो मन जैसा भी हो आपको, मतलब उसको मना के किया जा सकता है, कुछ भी करने को मतलब उसको थकेल सकते हो, खुद को थकेल सकते हो। लेकिन आपका बॉडी भी ठीक नहीं है, मूड भी वैसे ही ऊपर से ख़राब है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, दे बोल रहा है, ठीक नहीं हो तो मतलब कुछ भी करने को अच्छा नहीं लगता है। नहीं करूँगी सोचा था, लेकिन मैंने वो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम बैठा तो मतलब जहाँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए बैठती हूँ थोड़ा टाइम, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब बाहर बैठने को थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा रिफ्रेश हो गई वहाँ पे। तो मैंने वीडियो ब्लॉग मतलब एक कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो उसी से स्टार्ट मतलब अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर चलिए खाने पीने के बाद मिलेंगे। आज इवनिंग में मैंने रात में जो खाना नहीं खाया था, तो इवनिंग में उसी करी से मैंने खाना खा लिया था, फिश करी से। मेरा जो भाप का था वो मम्मी रख दिया था, क्योंकि फिश मुझे पसंद है, फिश मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब मीट दो या ना दो, नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन मुझे फिश चाहिए। मतलब फिश और फिश हैड, इसीलिए मतलब हम लोग को मेरी ब्लॉग में ज़्यादा फिश हैड। पापा जी शॉप से मतलब एक्स्ट्रा फिशेस और लेके आते मेरे लिए। अभी तो मतलब नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन आगे में तो मैं जब फिश का मतलब हम जितना दिन मतलब मान लीजिए तीन दिनों के लिए फीस लाया है घर में, तो सिक्स टाइम हो गया। ऐसे करके मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिक्स टाइम के लिए खाना पड़ेगा, तो मुझे सिक्स टाइम के लिए सिक्स फीस हेयर लाएगा ऐसा था। नहीं तो मैं नहीं खाती थी मैं, तो इसी वजह से पापा जी लाते हैं। मैं नहीं लाने से भी होगा, लेकिन फीस सही है, सही है। तो चलिए, अगर मटन में भी मुझे मटन और चिकन में भी मुझे हड्डी पसंद है, हड्डी दे दो। मतलब मुझे हड्डी इसलिए पसंद है क्योंकि अब जब मटन का मांस खाते हो ना, पीसेस खाते हो ना, या चिकन का पीसेस खाते ना, दांत के अंदर जाते हैं। लेकिन हड्डी ऐसा नहीं होता है, जो खा भी सकते हो, और बीच में जो कैल्शियम होता है वो भी अच्छा लगता है ना। तो इसी वजह से मुझे फिश हेड और मटन या चिकन की मतलब
हड्डी मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, मतलब वहाँ पे भी ससुराल में भी मतलब मेरे लिए लाएंगे। मेरा हस्बैंड ही मार्केटिंग करता था तो लाएंगे। उसे हड्डी पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है तो मेरे लिए लाएंगे। फिर सेहत भी लाते हैं एक्स्ट्रा करके वहाँ पे भी। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा कुक है। मतलब उसके पापा से शायद वो मिला है, बहुत अच्छा कुक है वो। तो चलिए टाटा, खाने के बाद मिलती हूँ। हे गाइस, अभी 10 मिनट हो गया है, मैंने खाना पीना खा के आ चुकी हूँ। बेटे को हगिस पहना दिया, पैंट पहना दिया, दूध भी दे दिया है, खा रहा है अभी। सोने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 7 तक वो सोया है। 7 नहीं हुआ, 7:45 तक ऐसे शायद ऐसे सोया है। मैंने सुपारी खाई है, मैंने थोड़ा टेबलेट फीवर का टेबलेट लिया था, पैरासीटामोल लिया था तो करवा था, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सुपारी और पान खाई हूँ। और बकबक करने को भी मन नहीं है बिल्कुल, सोने को मन है लेकिन अभी ये सोएगा तो सो जाऊँगी और फिर खाने को कुछ भी नहीं खा पाई। तो चलिए गाइस, ये देखो मेरा लाल दूध पिला है, पिले बेटा दूध पिला है, खुद को देख रहा है देखो। ओके, उसको पीने देती हूँ और फिर सर बहुत दुख है। अब ठंडा में फीवर हो तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन गर्मी में फीवर होने से बहुत दिक्कत होता है। ऊपर से गर्मी है, ऐसे ही तो गर्मी लगती रहती है और फिर फीवर की गर्मी तो है ही बहुत। कहाँ रहूँ ऐसा फील होता है। देखो आ गया है, देखो ब्लॉग खत्म करने के लिए दे रहा है। ओहो ना मारे बेटा, ब्लॉग खत्म करो, मेरे साथ खेलो, उसका मीनिंग ये है। देखो मार रहा है मुझे, देखो। ओके ब्लॉक खत्म, ओके बाबा ब्लॉक खत्म कर मिले, ब्लॉक खत्म कर, टाटा दिन। ओके गाइस, उसके साथ भी खेलना जरूरी है, मैंने बोला था ना, इशारा में सारी बातें बोलता है। अभी टाटा दे रहा है, उसको पता है मैं वीडियो कर रही हूँ, वीडियो में बकबक कर रही हूँ, तो इसीलिए उसके साथ खेलना है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, पेट से ही सब कुछ सीख के आते। टाटा, मैं भी दे देती हूँ, टाटा गाइस, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, बाय बाय।